friends, I am back with my channel and an interesting video on chemical reactions and equations. तो ये वीडियो मैंने स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जो 9th का एग्जाम देकर 10th में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट से रेडी थे, बट इस लॉकडाउन के कारण उनकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो रही है और अब वो थोड़े बोर भी हो रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि हम थोड़ा पहले से पढ़ लें और प्रिपेयर रहें 10th के चैप्टर्स के लिए, ताकि जब बाद में लॉकडाउन ख़त्म हो तो ये तो तय है कि जब स्कूल में आपके चैप्टर्स शुरू होंगे तो बहुत ही तेज़ी से ये चैप्टर्स चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेबस का टाइम बहुत ही जा चुका है इस लॉकडाउन के कारण। तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम प्रिपेयर रहें। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि इस छुट्टी का बहुत ही लुफ्त उठाएं और गेम्स खेलें और इस छुट्टी को बहुत ही हंसते खेलते बिताना चाहते होंगे। बट लीव डैट, मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं और रियली 10th में एक अच्छे परसेंटेज से पास होना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर मैंने लिया है NCERT साइंस से, चैप्टर 1 है ये चैप्टर। केमिस्ट्री के ब्रांच में आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मैं आपको डिटेल में नहीं, बस मैं आपको एक नटशेल में ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ चैप्टर का, ताकि जब आप इसे बाद में इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको पहले से इस चैप्टर के बारे में नॉलेज रहे और उस समय आपको बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो वही बात हो गई कि केमिकल रिएक्शंस है चैप्टर, तो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो मैंने यहाँ सब कुछ लिख रखा है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा और बोरिंग ना हो आपके लिए, इसलिए मैंने ये किया है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब जब कभी भी एक केमिकल चेंज अकर होगा, अब मैं केमिकल चेंज आपको नहीं समझाने जा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक क्लास 8 और 9th का है, तो आप इसे पहले से पढ़ चुके होंगे। तो जब कभी भी केमिकल चेंज यहाँ अकर होगा तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, तो वो 5 होते हैं। मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सब्सटेंस का चेंज होना, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस से एंड अदर्स। चेंज इन कलर यानी किसी सब्सटेंस का कलर वाइट था, अब उसका केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो येलो में कन्वर्ट हो गया या ब्लू में हो गया, तो ये होता है चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे गैस प्रोडक्ट साइड में प्रोड्यूस होते हैं, तो उस वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल चेंज का। चेंज इन टेम्परेचर यानी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज हो गया या घट गया, तो उसे चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये टर्म आपके लिए नया हो सकता है या फिर कोई स्टूडेंट्स इस टर्म को पढ़ चुके होंगे, तो प्रेसिपिटेट मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ, ये पॉइंट आप आगे वीडियो में समझ जाएंगे। अब बेसिकली हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन चैप्टर में, तो ये 5 होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फटाफट इनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस उनको बोलते हैं जहाँ दो या दो से अधिक सिंपलर कंपाउंड्स एक दूसरे से कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है और ये सारे डेफिनेशंस आपको NCERT में आराम से मिल जाएंगे। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड्स कंबाइन होंगे एक दूसरे से और बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। झटपट से एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ है एग्जांपल CaO जो कि होता है कैल्शियम ऑक्साइड, NH2O जो कि वाटर, दोनों एक दूसरे, ये दोनों सिंपल कंपाउंड्स हैं, दोनों एक दूसरे से मिल के बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है CaOH2। तो ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का। उसी तरह से डिकम्पोजिशन वो होता है जहाँ एक सिंपल कंपाउंड ब्रेक हो जाए दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंड्स में, सॉरी यहाँ पे होगा कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक हो जाए दो या दो से अधिक सिंपलर कंपाउंड्स में, जब एक एक्सटर्नल फोर्स, अब एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या हो सकता है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये रहा एग्जाम्पल्स,
CaCO3 इसमें हीट डाला तो CaO प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा। AgCl2 इसमें हम सनलाइट डालेंगे तो ये Ag प्लस Cl2 में हो जाएगा। H2O में इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो ये H2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगा। तो ये थे एग्जांपल्स डिस्प्ले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जहाँ एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर दे एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसके एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4, तो ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ Fe मोर रिएक्टिव है Cu से, तो ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा और ये SO4 के साथ जो Cu का प्लेस है वो Fe ले लेगा, तो ये बनाएगा FeSO4 और Cu को अलग कर देगा। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट वो होता है जहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज हो आयंस का बिटवीन टू मेटल्स। तो इसका एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। तो ये मेटल इसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जाएगा यहाँ देखिए, और ये मेटल इसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ये होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द नेम सजेस्ट। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, इसे हीट करेंगे तो Cu प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ Cu के साथ O था, ये O यहाँ हट गया, बस यहाँ Cu बचा, तो इसे रिडक्शन कहेंगे। यहाँ H2 अकेला था और यहाँ O जुड़ के बनाया H2O, तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोरोजन और रेंडिसिटी। तो कोरोजन मीन्स स्लो प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ मेटल्स व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। आपने रस्टिंग सुना होगा, ये सेम टू सेम रस्टिंग ही होता है। और रेंडिसिटी जहाँ तक है ये होता है कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, मतलब कुछ छने हुए चीज़ में या कुछ फैटी चीज़ में जैसे चिप्स वगैरह हम खाते हैं, उनके ऑयल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो उनसे बहुत ही गंदा स्मेल आने लगता है, उनका टेस्ट भी बदल जाता है। इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिसी कहते हैं। तो ये था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू विद इन मिनट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस मैंने इस चैप्टर से एक ही टॉपिक स्किप किया है जो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस भी मैं बताऊँगा। टिल देन थैंक यू।